फतेहपुर के निजी स्कूल प्रबंधकों की एक बैठक का आयोजन मंगलवार को एसडीएम कार्यालय फतेहपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद ने की। बैठक के दौरान उपस्थित निजी प्रबंधकों, प्रमुखों व अध्यापकों को एसडीएम द्वारा वाहन अधिनियम 1988 की अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधकों को सख्त लहजे से कहा कि बच्चों के भविष्य के चलते किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। वहीं सभी निजी स्कूल प्रबंधक ये सुनिश्चित करें कि बस चालक के पास वैध लाइसेंस हो, साथ ही उसका हेल्थ चेकअप समय समय पर करवाया जाए। इसके साथ ही सीसीटीवी भी बस में लगा हुआ चाहिए, जिसकी रिकॉर्डिंग आगामी 7 दिन तक सुरक्षित रखी जाए। प्रबंधकों के साथ बैठक थी, क्या क्या इशू हैं इसमें? तो सबसे पहले हमारा जो रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, उसके बारे में इनके साथ चर्चा की गई और इनको हमने टाइम दिया 15 दिन का कि जो भी अभी तक कमियाँ रह गई हैं आपके पास, आप उनको पूरा करें, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है और काफ़ी बच्चों की इसमें सिक्योरिटी से इश्यूज रहते हैं। सेकेंड, कुछ पिछले कल हमारे पास कुछ लोग आए थे, यहाँ पर पेरेंट्स आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग, तो वो कुछ स्कूल्स के द्वारा जो थी वो ज़्यादा फीस लेने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर मेरे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो उस इशू को भी मैंने इनके साथ डिस्कस किया कि आप इसके ऊपर सोच विचार करें अपने आप, और यदि ऐसा कुछ है कि ज़्यादा फीस ली जा रही है तो उसको कर्व करें, उसमें कुछ रोक लगाएं। स्कूल बस व्हीकल शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, द ड्राइवर्स एज शुड नॉट बी 60 इयर्स, किसी के पास है तो नहीं, तो यदि है तो उसको प्लीज हटा दें, मतलब अपॉइंट नहीं। द फिजिकल फिटनेस ऑफ द बस व्हीकल ड्राइवर including eye examination, आपका क्या, what is the modus operandi of getting your these drivers medical examination? Have you ever sent those people for the medical examination? Yes, sir. After how many days and how many months? हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।